वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कॉलेज विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है और ये नियुक्ति आदेश कौन से सब्जेक्ट का हुआ है, इसमें डिटेल देखेंगे। और इसी सब्जेक्ट में आरक्षित जो सूची है उसमें से भी किसी को भी नियुक्ति का अवसर मिल सकता है क्या, उसकी भी बात करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस भी करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें बात करने जा रहे हैं सभी विषयों में नियुक्ति कब तक पॉसिबल हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो कि बात हो रही है कि नियुक्ति आदेश की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो स्थिति है उसमें हमें एक, जैसे कि कल 19 सितंबर को फिज़िक्स सब्जेक्ट की जो नियुक्ति आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप सामने देख पा रहे हैं 19 सितंबर का है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। ये सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स है, इसमें भौतिक शास्त्र है, आप देख पा रहे हैं सामने। इसमें आपके सामने 35 कैंडिडेट को इन्होंने सिलेक्शन इनका हो चुका है और इनको नियुक्ति के आदेश भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। और इन सभी को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार और इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिसमें 32 कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट है। ये यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करने की जो डेट दी हुई है वो दी हुई है, नीचे इसमें डेट दिख जाएगी आपको, 10 अक्टूबर तक इन्हें ज्वाइन करना है। अब आरपीसी की रिज़ल्ट पे आ जाते हैं सी की, तो आपको यहाँ दिखेगा ये मुख्य सूची है इसी सब्जेक्ट की। 1 अगस्त को फाइनल रिज़ल्ट आ चुकी थी और अगस्त के महीने में इनकी काउंसलिंग भी करवा दी गई थी। और काउंसलिंग करने के बाद जो 19 सितंबर यानी फाइनल रिज़ल्ट आने के डेढ़ मंथ के अंदर आपके सामने इनके नियुक्ति आदेश रिलीज़ कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली एक बात यह है कि यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट थे वो 35 हैं और आपको नियुक्ति आदेश दिख रहा है आपके सामने। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं इसको, नियुक्ति आदेश जो है यहाँ पे 32 का है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट आपको नहीं दिख रहे हैं जिनकी नियुक्ति आदेश नहीं हुए, उनका मैं मेरिट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरिट देखिए 31 है, 32 है, यहाँ पे 33 और 34 कैंडिडेट यहाँ पे मिसिंग है। और अगर ऊपर हम और आ जाते हैं, यहाँ पे एक जनरल कैंडिडेट की सीट है और जनरल कैंडिडेट की सीट यहाँ पर मेरिट नंबर 10 भी यहाँ पर मिसिंग है। अगर हम इसकी फिर से रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेरिट नंबर 10 पे हमें यही देखना है कि कोई जो कैंडिडेट है वो प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ है इसमें। ये मेरिट नंबर 10 है जहाँ के जिसके आगे पी लिखा हुआ यानी प्रोविजनल था। अब वहाँ पे उनके नियुक्ति आदेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे 33 और 34 नंबर भी कैंडिडेट हैं लेकिन वो प्रोविजनल नहीं है, तो भी उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं है। इनके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कि जिस भी कैंडिडेट के आगे पी आ रहा है ना, उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, उनकी एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ कोई इशू है जिसके चक्कर में आरपीसी ने इनकी रिजल्ट में पी दिया था। यहाँ पे अगर हम आरक्षित श्रेणी की बात कर रहे हैं तो आरक्षित श्रेणी में आपको भी कई जगह पी दिखेगा, यानी वो भी प्रोविजनल है। लेकिन यहाँ पे जैसे कैंडिडेट फर्स्ट है तो फर्स्ट कैंडिडेट और फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी फर्स्ट वाले कैंडिडेट के जो चांसेस होते हैं जॉब में लगने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस 35 कैंडिडेट में से 32 ही आपको इसके नियुक्ति के आदेश दिख रहे हैं, वो भी 10 अक्टूबर तक इनको देखा जाता है। अगर 10 अक्टूबर तक इनमें से भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरिट जो आरक्षित सूची है उसमें से कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। इसमें 3 कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट नहीं हुए और 32 की भी देखी जाएगी इसमें कि वो ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व लिस्ट में भी काफ़ी चांसेस हैं उनके
अपॉइंटमेंट के, लेकिन वो सभी के लिए नहीं हुए हैं। वो शुरुआत में जो कुछ कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बिल्कुल चांसेस हैं, और ये चांस लगने में तो 6 महीने भी लग सकते हैं और लगने में 1 साल भी लग सकता है, और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन चांस ज़रूर है। जैसे फिज़िक्स वाले सब्जेक्ट में नहीं, मैंने आपको दिखा दिए 3 कैंडिडेट, अभी उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं है, और कुछ न कुछ तो उसके पीछे रीज़न ज़रूर है, लेकिन इस रीज़न के पीछे जो रिजर्व लिस्ट है उनको भी चांसेस मिल जाते हैं अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो केवल मैंने आपको एक सब्जेक्ट बताया है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके अलावा जो काउंसलिंग हो चुके हैं, उसके अलावा आपके सामने केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी काउंसलिंग हुई है 26 अगस्त को। उसके बाद आपके सामने है बॉटनी, बॉटनी में जो काउंसलिंग हुई है 29 अगस्त को। उसके बाद मैथ्स की हमारे पास इसकी काउंसलिंग की लिस्ट है, ये है 15 सितंबर को, ये काफ़ी लेट है। तो यानी जो नियर टाइम है, नियर टाइम में हो सकता है आज भी हो, कल भी हो, और इसी महीने हो। आप मतलब इसके बाद जो जो पॉसिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स की, वो केमिस्ट्री की भी है, बॉटनी की भी है, मैथ्स की भी है। और इसके अलावा जिन भी सब्जेक्ट की काउंसलिंग हो चुकी है तो उनके पूरे चांसेस हैं कि दिवाली से पहले उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और जितना हम देख लेते हैं 31 सब्जेक्ट में से 21 के फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, और इन 41 में से अप्रोक्स 10 के तो काउंसलिंग हो ही चुकी होगी। कुछ सब्जेक्ट की तो हमें भी पता है, जो हम आपको बता रहे हैं, जिन भी सब्जेक्ट की काउंसलिंग दिवाली से पहले पहले हो रही है उनको विद इन अ 15 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे। और बाकी रहा उन कैंडिडेट का जिनके अभी इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू नवंबर तक पूरे पॉसिबिलिटी है कि नवंबर तक ये पूरे इंटरव्यू पूरे हो जाएं, उसके बाद 1 महीना काउंसलिंग, उसके बाद 1 महीना अपॉइंटमेंट। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलने वाला है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके कॉलेज डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।